स्टडी पॉइंट्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के कुछ ऐसे धमाकेदार फीचर जिनको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एमएस वर्ड में हम आज वो काम करने वाले हैं जो शायद कोई नहीं करता होगा। अगर कोई करता होगा तो बस 5% लोग। आप लोग आज कुछ ऐसा ही सीखने वाले हैं। जी हाँ, एमएस वर्ड में वो छुपे हुए राज जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए पहले राज की तरफ। हम लोग यूज़ कर रहे हैं एमएस वर्ड 2013। ये देखिए दोस्तों, एमएस वर्ड 2013 हमने खोल रखा है। इसका वर्जन अगर देखना चाहें तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अबाउट में जाकर आप इसका वर्जन चेक कर सकते हैं, मैनेज वर्जन। तो आप यहाँ से भी आप इसका चेक कर पा रहे हैं। बाकी आप इसके इंटरफेस से भी देख पाएंगे कि ये एमएस वर्ड 2013 है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से इसको यहाँ पर करके क्लिक करके भी आप दोबारा से खोल लीजिए। ये देखिए हमारा एमएस वर्ड 2013 खुल रहा है। तो दोस्तों ये देखिए एमएस वर्ड 2013 हमारे सामने खुल चुका है। यहाँ पर हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर इसको खोल लिया है और यहाँ पर अब आपको मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आप भी थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू की तरफ और यहाँ पर वर्ड आर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एमएस वर्ड 2013 में वो फीचर भी अवेलेबल है जो आपके एमएस वर्ड 2007 में हुआ करता है। जी हाँ, यहाँ देखिए आप, मैं वो सब काम कर पा रहा हूँ यहाँ पर जो आप एमएस वर्ड 2007 में करते हैं। और यहाँ पर हमने देखिए इसको डिज़ाइन एमएस वर्ड 2007 की तरह कर दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इसके शेप्स वगैरह भी चेंज कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एमएस वर्ड के वो सभी फीचर्स जैसे 3D इफ़ेक्ट्स जो हमें एमएस वर्ड 2007 से ऊपर के किसी भी वर्जन में नहीं देखने को मिलते हैं और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये सभी फीचर्स जो आप देख रहे हैं एमएस वर्ड 2013 में। बाकी सारे फीचर्स वही हैं दोस्तों जो आप लोग यूज़ करते आए हैं अभी तक। बाकी सब डिज़ाइन वगैरह, इंटरफेस, वर्किंग ऑप्शन सारे वही हैं। बस आपको यहाँ पर वर्ड आर्ट का जो ऑप्शन देखने को मिलता है ये कुछ अलग है। आप इसमें कोई भी चीज़ लिख के घुमा भी सकते हैं जो एमएस वर्ड 2007 में करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा एमएस वर्ड 2007। ऐसा ही होता है ना। और यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में आप जो वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं वही ऑप्शन आपको मैंने वहाँ यूज़ किए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही ऑप्शन है जो आप वहाँ यूज़ करते थे वो यहाँ भी यूज़ कर पाएंगे। और अब सवाल ये रहता है कि एमएस वर्ड 2013 में हमने ये कैसे किया। जी हाँ, तो चलिए पॉइंट की तरफ। आप जैसे ही कोई फाइल बनाए तो आप सबसे पहले फाइल पर क्लिक करके उस फाइल को सेव एज पर क्लिक करके अपना लोकेशन देकर, अपना नाम देकर और यहाँ पर जाकर फाइल टाइप एज टाइप, सेव एज टाइप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वर्ड 97-2003 यानी 2003 पर क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करके आपको बस इस फाइल को सेव करना होगा। उसके बाद जी हाँ दोस्तों, आपके सभी फीचर्स जो आप एमएस वर्ड 2003, 2013, 2016, 2019, 2021 कोई भी वर्जन चलाएं, आपका जो फीचर्स रहेगा वो बस आपको 2007 वाला ही देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका बहुत अच्छा ट्रिक। अब दोस्तों, मेरे कुछ दोस्तों का ये भी सवाल था कि हमने ये कर तो लिया है, क्या अब हम दोबारा एमएस वर्ड 2013 के उन्हीं फीचर्स पर वापस जाना चाहें तो कैसे जाएं? तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी आपके पास एक सॉल्यूशन है। आप फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखिए कन्वर्ट का एक ऑप्शन होता है, इस पर भी क्लिक कर दीजिए।
जी हाँ, आपके सामने कुछ इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आएगा, आप इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। बस दोस्तों, ये रहा आपका एमएस वर्ड 2013। दोबारा से आप इंसर्ट पर जाइए, वर्ड आर्ट पर क्लिक कीजिए और देखिए दोस्तों, ये रहा आपका वही पुराने अंदाज का या नए अंदाज का वर्ड आर्ट ऑप्शन। तो दोस्तों, मैंने आपको आज सिखाया कि यहाँ पर आप किस तरीके से वर्ड आर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, वो भी दोनों अंदाज से अपने डॉक्यूमेंट में। तो देख रहे हैं दोस्तों आप, मैंने दोनों अंदाज में, अब यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं मिलते हैं जो यहाँ पर मिलते थे आपको, अब देखिए यहाँ पर भी वो ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, ये दोनों फीचर्स आपके लिए बेहद काम की चीज़ें हैं। अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं हम, और इस ट्रिक में हम कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आप लोग फिर हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर आप इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, शेप्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको ये एक शेप ले लीजिए और कंट्रोल के साथ दबाइए। दोस्तों, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ पर आपको गौर करना है। अगर आप शिफ्ट के साथ बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ये जो सर्किल होता है बराबर बड़ा होता है, और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके कलर कर लीजिए और यहाँ से शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिए, ये देखिए दोस्तों। और उसके बाद आप दोबारा क्लिक करके स्टार पर क्लिक करिए और यहाँ से आप दोबारा से स्टार कंट्रोल शिफ्ट के साथ बना लीजिए। ये देखिए दोस्तों, आपका एक लोगो टाइप का बन रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे ये भी आपको हम बताने वाले हैं। शेप्स पर क्लिक करें और उसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से शेप फॉर्मेट पर क्लिक करें, और फॉर्मेट शेप पर क्लिक करने के बाद फिल पर क्लिक करें, यहाँ से ग्रेडियंट के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से आपके पास जो कलर दिया गया है वो करें, और यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक करें, यहाँ से आप रेड पर क्लिक कर दें और फिर इस पॉइंट पर क्लिक करें और यहाँ से आप फिर ग्रीन पर क्लिक कर दें। तो इस तरीके से दोस्तों, अभी हम और भी अच्छा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। यहाँ पर वाइट करेंगे हम। मुझे लगता है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि हम एक तिरंगे की शेप जैसा कुछ बना पाए। इसको थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हमें मोर कलर, और यहाँ से अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ और यहाँ से हल्का सा, ये देखिए कलर हम बना पा रहे हैं यहाँ से। जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप तिरंगे की शेप का कलर यहाँ से बना पा रहे हैं। ओके कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कर सकते हैं ये काम, और अब स्टार पर क्लिक करें। अब आपको कुछ और अच्छे फीचर्स बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ ग्रेडियंट फिल पर क्लिक करने के बाद आप लीनियर के ऑप्शन को रेक्टेंगुलर करिए, या फिर आप यहाँ से भी कोई अच्छा सा कलर कर सकते हैं। हमने रेडियल पर क्लिक कर दिया है और यहाँ से हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक अलग ही अंदाज में क्लिक कर लिया है। अब इसको अगर आप उठाकर कहीं लेकर एडजस्ट करें तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग जा रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल दबाइए, सॉरी कंट्रोल नहीं, शिफ्ट प्रेस कीजिए और सर्किल को क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप शिफ्ट के साथ दोबारा से स्टार पर क्लिक कीजिए और इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ से आपको ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फॉर्मेट पर जाकर ग्रुप। अब ग्रुप करेंगे आप, तब आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, एक साथ छोटा कर सकते हैं। ये आपका एक बहुत अच्छे तरीके से एक लोगो स्टाइल में बन चुका है। अब इसमें दोस्तों कुछ और ख़ास बात आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं। यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ अगर इसको प्रेस करके छोड़ते हैं, कंट्रोल के साथ, तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी बनती है। ये देखिए दोस्तों, डुप्लीकेट कॉपी जो मैं कंट्रोल के साथ दबाकर प्रेस करके अलग अलग कर पा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, कुछ अलग ही अंदाज़ में हम कंट्रोल से कॉपी कर पा रहे हैं। तो कंट्रोल दबा के अगर कोई भी चीज़ मूव की जाती है तो वो कॉपी हो जाती है। अब हम जो चीज़ सीखने वाले हैं उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप दोबारा से क्लिक कीजिए सॉलिड फिल पर,
और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी, इसको आप देखिए ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए 100%। ये देखिए दोस्तों, और इसको पकड़ के आप इसके बैक में लगा दीजिए ताकि आपको ये 3D नज़र आए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये कुछ ट्रिक्स आप पसंद आई होंगी। अगर आपके भी सामने कोई ऐसे ही प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या आ रही है काम को करने में, तो मुझे ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियोस आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव और हो सकता है ज़्यादा हेल्पफुल और कुछ नया देखने को मिले। तो बने रहिए अभी भी आप हिंद स्टडी पॉइंट्स पर, ताकि आप ऐसे ही नई नई अंदाज़ में ट्रिक्स सीखते रहें।